याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आ रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। पहले ये ना जाना तेरे बाद ये जाना, प्यार में जीना मुश्किल कर देगा ये दिल दीवाना, प्यार में याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। जाने कैसी सांसें ऐसी आ जा रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई, बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। मेरे दिल की धड़कन मेरी जान की दुश्मन बन गई, कुछ कह कह के कुछ रह रह के तड़फा रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। ये रुत की रंग रलियां ये फूलों की कलियां रो पड़ी, मेरा हाल सुना तो मेरे साथ ये कलियां रो पड़ी, याद आ रही है याद। हेलो जी, राधे कृष्णा, हैप्पी बैसाखी। बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, और दुआ करती हूँ कि आप सभी हमेशा उम्र भर जिंदगी भर अपने घर पर खुशी रहें और हर मनोकामना आपकी पूरी होए। और आज मैं बैसाखी के त्यौहार पर यहाँ पे पहाड़ी रेसिपी बना रही हूँ। इसका नाम असकलिया है। ये मैंने मैदे से और सूजी से बनाई है। इसके लिए मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है और 300 ग्राम मैंने सूजी ली है और आधा चम्मच मैंने सोडा लिया है और इसको पानी में घोलकर इसको मैंने लोहे का तवा है, ये पत्थर का भी होता है ऐसे तो, और ये शक्कर और घी के साथ भी खाई जाती है और खीर के साथ भी खाई जाती है। मैंने खीर बनाई थी, मैंने खीर के साथ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको दी और ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत अच्छी से बनती है, बहुत आसान होता है ये बनाने के लिए। इसको हम दिवाली के त्यौहार पे भी ज़रूर बनाते हैं। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है तो ज़रूर मुझे बताएं और फुल वॉच करें मेरी वीडियो को और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर नए हैं कोई तो मेरे चैनल को प्लीज़ हमली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वॉच करें, मुझे सपोर्ट करें। और आप सभी अपने आप का ध्यान रखें। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे बताएँ। ये इसके ऊपर मैंने ढक्कन रखा था, ये आसानी से बन जाते हैं। पहाड़ी रेसिपी असकलिया, प्लीज सपोर्ट मी। और आपका दिल से थैंक यू सो मच, आप सभी फ्रेंड्स का दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।